बैठक में बैठक के जो सहयोगी हैं भानु प्रताप जी जो हमारे वर्तमान परिषद अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि दो शब्द कहें और यहां के आए हुए किसानों को बतावें। इस शिव मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हुए सारे किसान नौजवान भाई एवं बुजुर्ग अभिभावक माताएं बहनें आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत है और हमारे तरफ से प्रणाम है नमस्कार है। आज हम लोग इस पावन जगह पर उपस्थित हुए हैं माननीय हम लोग के चौधरी चरण सिंह जी जिनका जो है किसान दिवस के रूप में हम लोग जो है विनम्र श्रद्धांजलि आज अर्पित किए और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जो कि कभी भी थे और इन दोनों आत्माओं को हम लोग श्रद्धांजलि दिए और इस बैनर के तले आरजेएस जो कि एक सकारात्मक मीडिया सकारात्मक सोच लेकर जो है समाज में एक बदलाव लाने का प्रयास है इस बैनर के तले हम लोग जो है यहाँ पे जुटे। आप सभी को एक बार फिर पुनः हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और हार्दिक स्वागत अभिनंदन चंदन वंदन है। जैसे कि किसान दिवस के रूप में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो अभी अभी पूर्व में चुनाव चल रहा था उस चुनाव में आप सबों के आशीर्वाद से हमें आशीर्वाद आप सबों की अनुग्रहित हुई उसके लिए भी हम आभारी हैं। आप अध्यक्ष के रूप में हमें मनोनीत किया है उसके लिए सदैव आप सबों का जो है हम ऋणी है। हमारा प्रयास रहेगा कि आप सबों का जो भी काम है चाहे खाद देना हो चाहे धान लेना हो और भी बहुत सारी समस्याएं किसान भाइयों के यहाँ पे हैं उन सभी समस्याओं का हम चाहेंगे उन सारी समस्या दूर हो और हमारी टीम में जो है नव निर्वाचित माताएं बहनें महिलाएं जो हैं चुन कर आई हैं अभिभावक के तौर पे सुरेश चचा जी चुन कर आए हैं मित्रवत कमिंदर जी चुन कर आए हैं अभिभावक बसंत सिंह चुन कर आए हैं उसके बाद जो है कंचन देवी जी चुन कर आई हैं कलावती देवी जी दुर्गावती देवी जी एक कंचन देवी भी हैं इन भी निशा देवी जी ये सभी पूरे टीम को हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आप सबों से जो है एक आप सबों को एक कविता सुनाना चाहते हैं। कविता से बहुत सारी प्रेरणाएं जो है मिलेगी कि आखिर अकेला भानु कुछ नहीं कर सकता है आप सब चाहेंगे तब कुछ हो सकता है। तो क्या है बहुत सारी बाधाएं थी उस बाधाओं को जो है हम लोग पार करके उस पड़ाव तक पहुंचे हैं जहां से किसानों का बहुत सारा उम्मीद आशा जगती है और उन आशाओं को उन आकांक्षाओं को पूरा करने का हम लोग प्रयास जो है करेंगे। तो केवल सिर्फ भानु नहीं करेगा आप हम सब मिलेंगे तब हो सकता है। तो बधाएं आती हैं आए घिरे परलय की घोर घटाएं पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वलाएं निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम से कदम जब मिलेगा तब जाके सारी बधाएं जो है दूर होगी। हास रुदन में तूफानों में अगर असंख्यक बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में पलकहार में बीच धार में घोर घृणा में पूत प्यार में क्षणिक जीत में दीर्घहार में जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ प्रगति चिरंतन कैसा इति अब सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलथ असफल सफल समान मनोरथ सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यवन निरवता से मुखरित मधुबन परहित अर्पित अपना तन मन जीवन को सत सत आहुति में
जलना होगा, गलना होगा,